आज हम बनाने जा रहे हैं सुपर सॉफ्ट पराठे व्रत वाले। इसको हम बनाएंगे साबूदाना से, और साबूदाना को भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बनाएंगे और बहुत जल्दी बनते हैं। उसी के साथ में हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे आलू की सब्जी, खट्टी मीठी और तीखी। तो चलिए मिलके बनाते हैं। आ गया। साबूदाना का पराठा बनाने के लिए हमको चाहिए साबूदाना, और साबूदाना हमेशा एक ब्रांड का लें, खुला वाला नहीं लेना है। खुला वाला होता है उसके अंदर काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। सबसे पहले हम साबूदाना को रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक पैन लिया है और पैन में मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको भूनेंगे। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, कलर सेम ही दिखना चाहिए। वैसे आजकल साबूदाना का पाउडर भी मिलता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको साबूदाना का पाउडर मिलता है उसको भी इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनना है। यहाँ पे हो गए लगभग 8 से 10 मिनट इसको भूनते हुए। कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ इसका, लेकिन अगर आप इसको दांतों के बीच में हल्का सा दबाएंगे तो ये बिखर जाएगा। जब कच्चा रहता है तो बिखरता नहीं है, चिपकता है दांतों में। बिखरने का मतलब ये हो गया कि ये पक चुका है। अब इसकी गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है, इसको करना बहुत ज़रूरी है, तभी पराठे बढ़िया बनेंगे। अब इसको ठंडा कर लेते हैं। साबूदाना यहाँ पर ठंडा हो चुका है, तो चलिए इसको फटाफट से पीस लेते हैं। बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार करना है इसका। जैसे ही साबूदाना को पीसा जाता है तुरंत उसका ढक्कन नहीं खोला जाता है, क्योंकि एकदम से धुआं सा निकलता है, पाउडर सा निकलता है। जब नीचे बैठ जाए उसके बाद ही करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइन पाउडर रेडी हो चुका है। तो चलिए सारी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है, फटाफट से हम लगा लेते हैं आटा। सबसे पहले हम साबूदाना का पाउडर डालते हैं, मतलब कि इसका आटा डालते हैं। ये 200 ग्राम है, 2 बड़े चम्मच राजगिरा का आटा। ये ऑप्शनल है, अगर डालते हैं तो थोड़ा सा आसानी रहती है गूंदने में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अगर ये बहुत ज़्यादा डालेंगे तो इसी का टेस्ट आएगा। फिर 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पे जीरा इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये गया व्रत वाला नमक, मतलब कि सेंधा नमक। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च चॉप की हुई, और ये गया थोड़ा सा धनिया श्रद्धा अनुसार। 2 मीडियम साइज के मैं आलू यहाँ पर लूँगा। आलू बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं लेनी है, ये उबला हुआ आलू मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर। आप जो भी चीज़ व्रत में आप नहीं खाते हैं वो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर हल्का सा चटपटा बनाने के लिए हम यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया हुआ है तो आपको कम ही डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे पानी डालने से पहले पहले, क्योंकि आलू में काफ़ी पानी होता है। आलू है तो सबसे पहले आलू को मिक्स करेंगे इसके अंदर, फिर देखेंगे हमको कितना पानी मिलाने की ज़रूरत है यहाँ पर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आलू बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी मत मिलाना, वरना ये आलू का पराठा बन जाएगा। साबूदाना का जो फ्लावर होता है वो बहुत जल्दी गीला पड़ जाता है, इसलिए जो पानी डालेंगे हम इसके अंदर छींटे डालते हुए इस तरह से, एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, फिर अंदाज़ा नहीं रहता है। पहले थोड़ा सा पानी डालिए, उसके बाद में इसको मिक्स कीजिए। साबूदाना में पानी ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आप एक साथ डालेंगे तो गीला भी हो जाएगा। धीरे धीरे करके ये डो की शेप में आ रहा है, लेकिन आटा टाइट नहीं करना हमको, हमको हल्का सा नरम ही रखना है, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं, सेम टू सेम। तो ये लीजिए डो यहाँ पे रेडी हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हल्का सा दबा के देखिए, ये बिल्कुल नरम है। अब इसको रेस्ट देने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम देना है हमको। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक सब्जी तैयार करते हैं हम, खट्टी मीठी थी। 2 बड़े चम्मच मूंगफली का तेल मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर, आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ों को व्रत में खाया जाता है। और जो मूंगफली का तेल है ये फिल्टर ऑयल है, रिफाइंड नहीं है। फिल्टर ऑयल हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सबसे पहले यहाँ पर जीरा डालेंगे हम, ये गया 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरे को तड़कने देंगे, जैसे जीरे का कलर थोड़ा सा चेंज हुआ, यहाँ पे 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का सा भूनेंगे इनको। हरी मिर्च और अदरक को बहुत ज़्यादा नहीं भुना जाता है। अदरक और हरी मिर्च की एक हल्की सी खुशबू आने लग गई है। तो अब उबले हुए आलू डाल रहा हूँ मैं, 4 पीस मीडियम साइज के, हाथों से इस तरह से क्रश करके आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब आलूओं को थोड़ा सा भूनेंगे हम। आलूओं को भूनने से खुशबू डेवलप होती है, एक अरोमा डेवलप होता है आलू के अंदर इसकी भुनाई करने से। आलूओं को यहाँ पे भुना है 2 मिनट के आसपास, एक हल्की सी खुशबू आने लग गई है आलूओं में से। और यहीं पे डालेंगे हम एक छोटा सा सेव, मतलब कि एप्पल, छिलकों के साथ में एक छोटा सा एप्पल हमने यहाँ पर ऐड किया है, इससे एक मीठापन इसके अंदर आएगा। कश्मीर में इस स्टाइल से सब्ज़ी बनाई जाती है। और ये गया थोड़ी सी काली मिर्च, 1 छोटी चम्मच फ्रेश काली मिर्च का पाउडर। अब एप्पल्स को भी आलूओं के साथ में थोड़ा सा भुना जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे हल्का हल्का सा ब्राउन कलर भी आने लग गया है, मतलब कि ये सब्जी हो चुकी है। अब डालेंगे इसमें पानी, आप चाहें तो इसको सूखा भी खा सकते हैं। यहाँ पे 1 कप के आसपास मैंने पानी डाल दिया है, थोड़ा सा पानी रिड्यूस भी हो गया यहाँ पर। और ये गया थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक।
अब इसको उबलने दीजिए। उबलने की वजह से आलू अपना स्टार्च छोड़ेगा और जो सेव हमने डाले थे वो भी पक जाएंगे। और यहाँ पे सब्जी को पकते हुए लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। एक गाढ़ापन इसके अंदर आ चुका है आलू की वजह से। जितना गाढ़ापन आपको चाहिए उस हिसाब से आप रख सकते हैं पानी इसके अंदर। तो चलिए इसको फिनिश करते हैं। लास्ट में डालेंगे हम धनिया श्रद्धानुसार और एक नींबू का जूस भी हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे नहीं खाते तो आप अनारदाना का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे इससे खटास आती है बहुत बढ़िया वाली। ये लीजिए, ये सब्जी हो गई रेडी। तो चलिए गैस की फ्लेम को मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे बहुत ही गजब की सब्जी बनी है। एक बार मेरे कहने पे ये सब्जी जरूर बनाना, आपको बहुत पसंद आएगी। और जब व्रत ना हो तो आप हल्दी मिर्ची धनिया डाल के बनाना, ये तब भी आपको पसंद आएगी। सब्जी यहाँ पे बन गई है। तो चलिए आटा देख लेते हैं आटा कैसा है। जो डो हमने लगाया था वो हल्का सा टाइट हो गया है, तो पानी के थोड़े से छींटे हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से और इसको गूंदेंगे बढ़िया सा। आटा बढ़िया सा नरम हो चुका है। यहाँ पे हल्का सा ऑयल यहाँ पे डालेंगे मूंगफली का, या आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक बड़ा चम्मच मैंने डाला है, इससे क्या थोड़ी सी चिकनाहट आ जाएगी। और अब आप देख सकते हैं, ये देखिए डो जर्जरा नहीं हुआ, मतलब बिखर नहीं रहा है, हल्का सा नरम हो गया है। ऑयल लगाने की वजह से हाथों पर चिपकेगा नहीं है। अब एक लोई ले ली हमने यहाँ पे, जितना बड़ा आपको पराठा बनाना है उस हिसाब से आपको लोई तोड़नी है, उसको गोल करना है इस तरह से। ये राजगिरा का फ्लावर थोड़ा सा डस्टिंग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे चिपके नहीं, बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको बेल लेंगे हम, बहुत ही आसानी से बिल जाता है ये, लेकिन इसकी किनारियाँ फटती हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें इसकी किनारियाँ फटेंगी, इसका भी इलाज है हमारे पास में। सबसे पहले इसकी थिकनेस चेक कीजिए, ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है, पतला ही बनता है, बहुत ज़्यादा मोटा कच्चा से रह जाता है। ऐसे कैसे भी सेक सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ी फाइन चाहिए तो इस तरह से इसको ट्रिमिंग भी कर सकते हैं आप। आप चाहें तो किसी प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको काटने में इस तरह से। और जो ये एक्स्ट्रा में है इसको वापस से डो में मिक्स कर देंगे हम। और ये लीजिए, ये बिल के तैयार है, कोई भी एक्स्ट्रा फ्लावर यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर आप सारे पराठे एक साथ बेल लीजिए और उनको एक बार में ही आप सेक सकते हैं। ढक के रखना है वरना ये ड्राई हो जाते हैं। ये देखिए, ये आपस में बिल्कुल नहीं चिपकेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए, तो चलिए इन पराठों को फटाफट से सेक लेते हैं। तवा यहाँ पे मीडियम हॉट है, ये गया हमारा पराठा, इसमें इसको टर्न करते हैं। अब लगाते हैं थोड़ा सा घी या तेल, जो भी आपको पसंद है। ये बहुत ही नरम नरम से बनते हैं। अब करते हैं इसको टर्न, सेकंड साइड से भी हल्का सा घी। आप चाहें तो इसको बिना घी तेल के भी बना सकते हैं, ये बिना घी तेल के भी बहुत अच्छे बनते हैं। अभी गैस की फ्लेम को फुल कर दीजिए, यहाँ पे बढ़िया सा कलर आना चाहिए, जैसे नॉर्मल पराठा बनता है उस तरह का कलर इसमें नहीं आएगा, इसमें हल्का सा वाइटनेस जरूर रहेगी। अब इसको जितना ज़्यादा सेकते जाएंगे उतना कड़क होता चला जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है हमको। अगर आपको नरम खाना है तो इसको ज़्यादा मत सेकिए। ये देखिए, इस तरफ से थोड़ा ज़्यादा हो गया तो कड़क आवाज़ भी आ रही है, क्योंकि साबूदाना कड़क हो जाता है जैसे जैसे ड्राई होता जाता है। तो चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं इसको। साबूदाना ऑलरेडी पका हुआ है इसके अंदर, क्योंकि हमने रोस्ट करके डाला था। और जब भी रोटी पराठे कुछ भी डालते हैं आप, ऑडी यूनी रैप का इस्तेमाल करें, इससे रोटियां गीली नहीं होती नीचे की तरफ से। ये तैयार हो गई खट्टी मीठी और तीखी आलू की सब्जी इस पराठे के साथ में। आप चाहें तो यहाँ पर रायते का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए आप पराठे देखिए कितने सॉफ्ट हैं, ये इतने सॉफ्ट पराठे हैं, खाने में बड़ा मज़ा आने वाला है इनको। ये रहे नरम नरम से पराठे और उसके साथ में आलू की खट्टी मीठी और तीखी सब्जी। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माई स्वाति मित्रों। आ गया।